एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ओप्पो इनको बड्स 2, एक ट्रू वायरलेस हेडफोन है जो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही ख़रीदा है। मैं 2000 के अंदर एक बेस्ट ईयरबड ढूंढ रहा था तो मुझे दो ऑप्शन मिला, एक तो ये है ओप्पो इनको बड का 2 और दूसरा जो है रियलमी जो T100 है वो। ये जो दोनों हेडफोन है काफ़ी अच्छा है। जो रियलमी है वो लगभग 1500 के रुपये के अंदर आता है और ये 1800 का है। तो दोनों में जो प्राइस का डिफरेंस है वो सिर्फ 300 का था। तो मैंने ओप्पो इनको बड्स 2 को सिर्फ इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसमें एक जो फीचर्स है उसमें मिसिंग है। तो रियलमी में आपको जो डॉल्बी एटमॉस है उसका सपोर्ट नहीं मिलता है और ओप्पो का जो ये वेरिएंट है ओप्पो इनको बड्स 2 इसमें आपको डॉल्बी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है साउंड में। तो ये लगभग मैंने कुछ दिन से यूज़ किया है, लगभग 5 दिन हो गया है। तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस रहा मेरा शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसे डब्बा को खोल लेते हैं। हालांकि मैंने इसे पहले खोल लिया था, जब डिलीवरी का टाइम हुआ था तब मैंने इसे ओपन किया था। तो बॉक्स जो है कुछ इस तरीका का है, छोटा सा बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पैकेजिंग ठीक ठाक ही है। और पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये 28 आवर का बैटरी लाइफ आपको प्रोवाइड कर देता है। ब्लूटूथ 5.2 के साथ आता है ये। 10mm का ड्राइवर है और इसमें AI नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक इसका फीचर्स था, आगे और भी बात करेंगे। तो हम इसे खोल लेते हैं। तो डब्बा खोलना बहुत ही सिंपल है, यहाँ से स्लाइड करना होता है और ऊपर आपको हेडफोन मिल जाता है। ये मेरा पास जो है ब्लैक कलर में है, तो पहले इसे खोल लेते हैं। तो मैंने इसे कुछ दिन यूज़ किया है और यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आपको ओप्पो का ब्रांडिंग मिल जाता है और पीछे की तरफ चारों तरफ जो है मैट फिनिश है। नीचे आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट और यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हेडफोन का जो केस है काफ़ी छोटा है, पूरा राउंड शेप में है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाता है राउंड के तरफ और ऊपर जो है मैट फिनिश है। तो लगभग मैंने इसे 5 दिन तक यूज़ किया है और इसी में ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत स्क्रैच जो है पकड़ लिया है। यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है और इसी में ही आपको वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है। और बॉक्स में तो आपको और 4 टिप्स मिल जाता है, यानी कि 2 टिप्स एक एक हेडफोन का, 2 टिप्स मिल जाता है। तो ये है स्मॉल साइज का और ये 2 बड़ा साइज का। चार्जिंग केबल भी नहीं मिलता है और बॉक्स में अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना ही। तो पहले इसे निकाल लेते हैं। ईयरबड्स है कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R का जो लोगो है आपको मिल जाता है, यानी कि ये राइट है और ये लेफ्ट वाला। तो दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो केस जो है फुल मैग्नेटिक है, आप अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये अच्छी तरह से चिपक जाता है, ऐसा नहीं कि आप गिराएंगे तो गिर जाएगा, ठीक है। इसका जो मैग्नेट है ना काफ़ी स्ट्रांग है, गिरता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अगर आपको मन में डाउट है कि ये ऐसे करेंगे तो गिर जाएगा तो ये नहीं गिरेगा, इसका मैग्नेट जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो निकाल लेते हैं, केस को क्लोज करके साइड में रखते हैं। और ये है हमारा ईयरबड्स। आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको ये यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है, ईयरबड्स के ऊपर एक फ्लैट सरफेस मिल जाता है। बेसिकली ये टच पॉइंट है, यहाँ पे आपको टच कंट्रोल मिल जाता है। सामने की तरफ आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश मिलता है और बाकी जो पीछे की तरफ है पूरा मैट फिनिश है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये चार्जिंग का जो कनेक्टर है और इसके बीच में आपको दिखेगा माइक्रोफोन है, ठीक है। एक एक ईयरबड्स में आपको 2-2 माइक्रोफोन, यानी कि 2 ईयरबड में आपको टोटल 4 माइक्रोफोन मिल जाता है। तो कॉलिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होता है। मैंने काफ़ी देर से इसे टेस्ट भी किया है तो कॉलिंग क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। कान में बहुत ही अच्छी तरह से ये फिट हो जाता है, गिरने का चांस नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से कान को ये पैक कर लेता है। प्ले स्टोर में आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ता है पहले, तो इसे हमने इंस्टॉल कर लिया है। ओपन करते हैं। तो ऐप का जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरीके का दिखने को मिल जाता है।
तो हम फिलहाल कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइज मिल जाता है, जैसे कि आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट और राइट जो ईयरबड्स है उसमें कितना बैटरी अभी है। और यहाँ पे आपको एक इक्वलाइजर भी मिल जाता है, जब आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीन मोड मिल जाएगा। पहला जो है ओरिजिनल साउंड, दूसरा बेस बूस्ट जो आपको बेस को जो है और भी इन्हेंस करेगा, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है क्लियर वोकल्स, तो अगर आप वोकल्स पे जैसे कि आप कोई मीटिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये जो मोड है यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो वोकल्स है वो काफ़ी क्लियर आपको सुनाई देगा। और उसके नीचे एक दूसरा आपको ऑप्शन दिखेगा गेम मोड, तो ये गेम मोड जो है अगर इसे ऑन करेंगे ईयरबड्स वो आपको काफ़ी लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। अगर आप पबजी या फ्री फायर जैसे कोई गेम खेलते हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन है ईयरबड्स का जो टच कंट्रोल है, इसे थोड़ा बहुत आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंगल टैप में क्या होगा, डबल टैप में क्या होगा, ट्रिपल टैप में क्या होगा, और अगर आप टच एंड होल्ड करते हैं तो क्या होगा, इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे सेट रहता है कि अगर आप डबल टैप करेंगे तो प्ले पॉज का काम करेगा, और ट्रिपल टैप करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, टच करके होल्ड करते हैं तो वॉल्यूम जो है अप डाउन होगा। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक कंट्रोल है आपको मिल जाता है। अब हम इसका करेंगे साउंड टेस्ट, माइक्रोफोन में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगेगा लेकिन जो रियल साउंड है उसका आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। तो मैं शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। इसका जो बेस है, बेस क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, और कॉलिंग भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बुरा है, काफ़ी मतलब मैं कहूँगा ठीक ठाक से भी बेहतर है। और हम देखेंगे इसका जो टच क्वालिटी है तो वो किस तरीके से काम करता है। अगर हम डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे प्ले पॉज का काम करता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्ले हो गया, और डबल टैप करने से ये पॉज हो जाता है, ट्रिपल टैप करने से ये नेक्स्ट हो जाता है, और थोड़ा सा डिले होता है, टच में थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो है यही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैंने आप तक शेयर किया, तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है, कॉलिंग क्वालिटी है, ये मुझे लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ। चार्जिंग क्वालिटी को लेके वो भी काफ़ी सही है। तो आपको कैसा लगा ये ईयरबड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस ईयरबड के बारे में या कोई भी आपका मन में सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे मिलते एक और वीडियो में।